हाय, ये मेरे चैनल पर दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो। और इस टाइम भी मैंने आयरन फ्लाई ट्रेड ही लिया हुआ है। और आयरन फ्लाई में इस टाइम पर भी मैंने 17700 का कॉल एंड पुट सेल किया है और उन दोनों को 500-500 पॉइंट से हेज किया हुआ है। पिछली बार का जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा बन गया था, इसलिए मैं हो सके इतना छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो बिना टाइम गवाए मैं आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो आप देखेंगे ये मेरा ज़ीरोधा पोर्टल है। ये ज़ीरोधा पोर्टल में 17700 का कॉल एंड 17700 का पुट, इन दोनों को मैंने सेल किया है और दोनों को 500-500 पॉइंट से डाउन साइड एज वेल एज अप साइड हेज कर दिया है। उसी दिन, मतलब ये फ्राइडे को लिया हुआ ट्रेड था, तो फ्राइडे को जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें उसी दिन मेरे को 6500 रुपीज़ का प्रॉफिट तो दिखा दिया। अभी मंडे किस तरह से मार्केट आएगा, रिजल्ट्स कुछ कंपनी के आए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे। मैं आपको मेरे सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर ले जाता हूँ। तो मेरे सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो एग्जैक्ट मेरी आई एम फ्लाई के अंदर है। अभी मान लीजिए मंडे को गैप अप होता है तो मार्केट और भी मेरी आई एम फ्लाई के अंदर आएगा। सो जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट देगा वैसे वैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे। दिस इज़ माई पोजिशन, 6500 इज़ अ प्रॉफिट। और निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज़ निफ्टी चार्ट, 5 मिनट पर इस तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर कुछ टाइम के लिए मार्केट मुझे लोअर हाई लोअर लोज का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। एंड अगर वन डे की टाइम फ्रेम पर अगर देखें, डेली टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी कुछ कुछ इस तरह से है, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 4 मई के अराउंड निफ्टी अपना जो है वो 17700 के प्लस और माइनस 200 पॉइंट इधर उधर शायद एक्सपायर होगा। ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं कि ये सच है, बट एज एन ऑप्शन सेलर व्हेन यू आर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर आप लोगों को यही स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा कि मार्केट कौन सी रेंज में एक्सपायर होगा, क्योंकि वही एक बेस होता है डिसीजन लेने का कि कौन सा ट्रेड लें। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि 17700 को मैं सेंटर में रखूंगा और 200-200 पॉइंट अगर इधर उधर हुआ तो उसके हिसाब से मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो आई विल बी गेटिंग वेरी गुड प्रॉफिट। देखिए कितना होगा, लेट से 17700 यहाँ पर है, अगर मैं 200 पॉइंट यहाँ पर समझूँ तो 17900 मतलब समवेयर हियर। सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आई विल बी गेटिंग 20,000 रुपीज़। और यहाँ पर 17700 में से 200 पॉइंट अगर माइनस करेंगे तो 17500 पे भी मुझे 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अगर मान लीजिए मार्केट अच्छा रहा और मेरे को 17650 पे अगर एक्सपायरी हुआ तो आई विल बी गेटिंग 1.1 लाख रुपीज़। अगर मान लीजिए 17750 पे एक्सपायर हुआ तो भी 1.5। तो जिस तरह से मार्केट मूव करेगा वैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जिस तरह से बनता जाएगा, अगर मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट होता जाएगा तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना के पोस्ट करूँगा और पूरा वीडियो मर्ज करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। 24 अप्रैल 2023 मंडे, ये हमारे ट्रेड का सेकेंड डे है। और आज सेकेंड डे में हमारी पोजिशनल स्टेटस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू, दिस इज़ माई ज़ीरोधा पोर्टल। द रनिंग MTM जो है 6.6K दिखा रहा है, मतलब 6600 रुपया दिखा रहा है। तो नथिंग टू वरी, लास्ट टाइम भी 6500 दिखा रहा था, दिस टाइम इट इज़ 6.6K। ये ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में 11 बजे के अराउंड दिस वॉज अराउंड 11,000 और 12,000 रुपीज़। बट ठीक है, 6.6 दिखा रहा है तो नुकसान तो नहीं ही दिखा रहा है हमको। सेंसिबल में देखते हैं क्या सिचुएशन है। सेंसिबल में अगर पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो ये मार्केट है और यहाँ पर हमारा आयरन फ्लाई है, तो मार्केट इज़ स्टिल इनसाइड माय आयरन फ्लाई रेंज। सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सो कोई एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया नहीं है। निफ्टी का चार्ट देखते हैं। दिस इज़ चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ वीकली कैंडल स्टिक्स, वीकली टाइम फ्रेम। तो पिछले वीक का कैंडल बेयरिश एंगलफिंग था, हाउएवर आज पहले ही दिन में बुल्स लोगों ने रिजेक्शन दिया है और इसको बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की है, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी बढ़िया कैंडल दिख रही है। तो इससे ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत पता चलता है कि मार्केट थोड़े दिन के लिए बुलिश भी हो सकता है। देखना यह है कि आगे जाके कहाँ से ये रिवर्सल ले लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वीक्स बहुत ही लो है तो बेयरिश, जो लोग बेयरिश हैं, मतलब जो बेयर्स हैं, वो लोग उनके लेवल्स के आने के इंतज़ार में बुल्स लोगों को खेलने देंगे। और जैसे ही उनका लेवल आएगा ना, फिर वो धड़ाम से गिराएंगे बड़ी बड़ी कैंडल्स करके। तो हमको वो भी देखना है और उसके लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी। बाकी तो कुछ शेयर करने के लिए है नहीं, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल क्या होता है उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हाय, टुडे इज़ 25 अप्रैल 2023, आज का दिन मंगलवार। आज मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट, हमारे ट्रेड पर इम्पैक्ट आया ऐसा कुछ मूवमेंट दिखाया नहीं है। हालांकि मूवमेंट थोड़ा बुलिश था,
बट सेकेंड हाफ में लास्ट में जो 30 मिनट्स जो थे उसमें मार्केट ने गिरना भी दिखाया है। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू, दिस इज़ माई ज़ीरोधा पोर्टल। आप देखेंगे रनिंग MTM इज़ 8137 रुपीज़। फंड देख लेते हैं, फंड इज़ 1.25 लाख रुपीज़ इज़ स्टिल अवेलेबल विथ मी। एंड निफ्टी का चार्ट देखेंगे, 5 मिनट का ये चार्ट है निफ्टी में, तो आप देख सकते हैं कि 17,800 का लेवल बुल्स ने कोशिश तो किया लेकिन तोड़ नहीं पाए। कितनी कैंडल्स बनाई उन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स में कोशिश तो की, 6 कैंडल 5 मिनट के, मतलब 30 मिनट्स तक उन लोगों ने फाइट किया लेकिन बेयर्स लोगों ने उसको ऊपर जाने नहीं दिया। और 17,800 के बाद तकरीबन 2:45 के बाद उसने गिरना शुरू किया और क्लोजिंग आया है 17,760 पे। कल देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, जैसे भी ओपन होता है हम लोग उसके हिसाब से अपना ट्रेड मैनेज करेंगे। इवन दो हम लोगों ने बाई वीकली ट्रेड लिया हुआ है तो पहले वीक में ही एडजस्टमेंट कर लें, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। सो दिस इज़ अगेन अ साइकोलॉजी, वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। बट मैं फर्स्ट वीक में मार्केट को पूरा मूवमेंट करने का चांस देता हूँ, सेकेंड वीक इज़ क्रूशियल फॉर अस, तो वो देखेंगे हम लोग। अपना पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं, पे ऑफ चार्ट में आप देखेंगे दिस ग्रीन लाइन एज यू कैन सी हियर इज़ राइट इनसाइड आवर आयरन फ्लाई ट्रेड, तो अभी भी अपने ट्रेड के अंदर ही है, तो नथिंग टू वरी। देखेंगे कल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 57%, 1% इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। एंड FII DII डेटा देख लेते हैं, FII DII में कॉल्स आउटस्टैंडिंग कॉल्स 2.24 लाख एंड आउटस्टैंडिंग पुट्स 3.18 लाख, तो बेयरिश हुआ। और नीचे देखेंगे उनका एक्टिविटी इंडेक्स में, तो 33,000 कॉल सेल किए हैं एंड 21,500 पुट्स बाय किए, मतलब ऑब्वियसली बेयरिश हो गया ये। इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे तो 500 करोड़ का फ्यूचर बाय किया है। एंड अगर स्टॉक्स देखेंगे तो FII ने 400 करोड़ का स्टॉक्स सेल किया हुआ है। दिस इज़ ऑल, तो नेट ये थोड़ा बहुत माइल्ड बेरिश लग रहा है, इतना कुछ ज़्यादा भी बेरिश नहीं है। बट देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, जैसे रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 26 अप्रैल 2023 वेंसडे, एंड आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है। सो वेरी क्विकली आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू, सो दिस इज़ माई रनिंग MTM 1,000 रुपीज़। इफ़ यू रिमेंबर ये पिछले वाले पार्ट में 8,000 रुपये तक भी गया हुआ है, तो वैसे जाने में तो 20,000 तक को भी टच करके आया है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे जो हमको रनिंग MTL दिख रहा है, MTM दिख रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो पिछले वाले वीडियो में दैट वाज 8,000 रुपीज़ और समथिंग, टुडे इट इज़ 1,000 रुपीज़, सो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है प्रॉफिट की क्वांटिटी में। हाउएवर अपना ट्रेड होल्ड पर है, अपने ट्रेड की पोजिशन देख लेते हैं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे। तो ये अपना आयन फ्लाई है और उसमें मैंने ये मार्केट जो है वो मेरे आयन फ्लाई की रेंज के अंदर है, तो फिलहाल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाता है हमारे ट्रेड को लेकर के तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट अभी मुझे थोड़ा बहुत बुलिश लग रहा है, ये 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हम लोग 15 मिनट के कैंडलस्टिक में देखेंगे तो यस, निफ्टी का चार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से बुलिश दिख रहा है। बट एक बात याद रखिए, आज पूरा इंडिया बुलिश है कर रहा है, ऑपरेटर यही चाहता है हर कोई बुलिश बोले और फिर इसको बेरिश बना दे। वैसे भी कल एक्सपायरी करी है तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। और हमेशा याद रखिए मार्केट ही भगवान है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट जाएगा वैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 27 अप्रैल 2023 थर्सडे। आज का दिन मंथली एक्सपायरी का दिन भी था, तो आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया रैली करके दिखाई है। सो हम लोग बिना टाइम गवाए सीधा अपनी स्क्रीन पर जाते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू, सो दिस इज़ माई ज़ीरोधा पोर्टल। अपना रनिंग PNL जो है वो -21,000 दिखा रहा है, जो कल +1,000 रुपीज़ था वो आज -21,000 रुपीज़ है। लेकिन मैंने आज एक एडजस्टमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा था तो मेरे को मेरी कॉल साइड प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। तो कॉल साइड प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कॉल की साइड का जो हेज था, जो 500 पॉइंट दूर था, उसको मैं नज़दीक लाया हूँ। तो मैंने क्या किया, 18,200 का कॉल था उसमें से एग्जिट ले लिया, एंड 18,000 का कॉल जो है उसमें मैंने एंट्री ली है। वो मैंने परचेस किया 57.6 रुपीज़ में। सो ये करने के बाद अपना पे ऑफ चार्ट किस तरह से दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपना सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड में कॉल में ये रेड कलर का जोन जो है वो थोड़ा कम दिख रहा है, एंड लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, आप यहाँ पर देखोगे 18,000 का कॉल मैंने परचेस किया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, 1.6 लाख का जो लॉस दिखा रहा था वो लॉस अभी कम होकर 71,000 रुपीज़ हो गया है। मतलब अगर मार्केट ऊपर की साइड को चलती जा रही है तो मैक्सिमम लॉस आई एम गोइंग टू बेयर इज 71,000 रुपीज़। उसमें भी हम लोग फ्यूचर में एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना है।
ये एडजस्टमेंट करने में मैंने 18,200 के कॉल में से एग्जिट लिया, तो उसमें मुझे 2500 रुपीज़ प्रॉफिट भी हुआ है, तो वो भी हमने इसमें काउंट कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 32% राइट नाउ। वो देखेंगे मार्केट किस तरह से मूवमेंट दिखाता है। एंड मेरे ब्रेक इवन जो है वो 17,519 एंड 17,881, मतलब लेफ्ट साइड पे 519 एंड राइट साइड पे 881, तो ब्रेक इवन भी थोड़े नज़दीक आए हैं क्योंकि अपना आयरन फ्लाई थोड़ा नीचे आ गया है। बस आज के लिए इतना ही है। निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अब मुझे बुलिश लग रहा है, पर पिछले चार दिन से निफ्टी ऊपर के ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आएगा, या तो वो फ्राइडे मतलब कल आएगा या फिर ट्यूसडे को आएगा। मंडे को तो वैसे भी छुट्टी है एंड हमको सैटरडे संडे एंड मंडे 3 दिन छुट्टी मिलेगी, तो थीटा डीके भी बहुत बढ़िया मिलेगा। बस मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए तो हम लोग हमारे कॉल साइड को और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उतना चीपर प्राइसिंग में। अगर नहीं होता है और मार्केट ऊपर ही जाता है तो हमको महंगी प्राइस में भी कॉल तो बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, हमको लॉस को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, लॉस को बचाना है पहले। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज स्टेटस। बाकी जो कुछ भी होगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हाय, टुडे इज़ 28 अप्रैल 2023 फ्राइडे। आज का दिन बहुत ही बुरा दिन था मेरे लिए एज फार एज दिस ट्रेड इज़ कंसर्न। एंड निफ्टी ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रैली दिखाई है, वैसे एक्सपेक्टेड भी था, बट इतना भी बड़ा होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ये रैली की वजह से अपने ट्रेड पर बहुत ही बुरी इम्पैक्ट आई है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू, हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है आज के दिन में। सो दिस इज़ माई ज़ीरोधा पोर्टल और आज का मेरा रनिंग MTM है -54,000 रुपीज़। सो इतना वेट एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं करते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस भी फॉलो करते हैं। हाउएवर मैंने इस बार स्टॉप लॉस मेथड फॉलो नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल में उसने 450 पॉइंट का ट्रैवलिंग किया हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो बनता है, प्लस और 3 दिन की छुट्टी भी है, तो मुझे थीटा डीके भी मिलना है। बट अभी मार्केट मेरी आयरन फ्लाई के बाहर निकल गया है, तो मुझे थीटा डीके का बेनिफिट नहीं हो रहा है। मुझे थीटा डीके एक्चुअली मेरी अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि मार्केट मेरी आयरन फ्लाई के बाहर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस प्राइस एक्शन सीम्स क्लियरली बुलिश। हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आए, अगर 200-250 पॉइंट का अगर रिट्रेसमेंट आ जाता है फॉर सम रीज़न, लेट्स आई विल टेल यू आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। 200-250 पॉइंट का अगर रिट्रेसमेंट आ गया, मेरे लिए एडजस्टमेंट का एक स्कोप ओपन हो जाएगा, और वो अगर हो गया तो दया प्रभु की। सो आई एम शेयरिंग माय सेंसिबल प्लेटफॉर्म्स पे ऑफ चार्ट, इसको मैं रिसेट करता हूँ। सो ये है अपना सिचुएशन, आप देख रहे होंगे ये जो वर्टिकल लाइन जो है, दैट इज़ द मार्केट कहाँ पर खड़ा है, एंड दिस इज़ माय आयरन फ्लाई। सो दिस मार्केट इज़ नाउ आउट ऑफ माय आयरन फ्लाई, सो दिस इज़ आउट ऑफ माय हैंड राइट नाउ। बट आई हैव टेकन अ चांस, अ प्रोफेशनल ट्रेडर और अ डिसेंट ट्रेडर डज नॉट टेक सच काइंड ऑफ चांसेस। हाउएवर मैंने लिया है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सिनारियो, और उसके हिसाब से आगे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज लॉस बुक कर लेंगे। जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से होगा। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। ट्यूसडे को देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 2nd May 2023 एंड आज भी निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया रैली तो दिखाई है, लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया है, मैं आपको बताऊंगा निफ्टी के चार्ट में। कल तो छुट्टी थी, तो मुझे काफ़ी थीटा डीके काफ़ी बड़ा हुआ है और मेरे को बहुत बड़ा नुकसान दिया हुआ है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी सिचुएशन अपनी कैसी है। सो आई एम वेरी क्विकली शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू। सो दिस इज़ माई ज़ीरोधा पोर्टल एंड यू कैन सी, एज यू कैन सी, -66,827 रुपीज़ इज़ द रनिंग लॉस, रनिंग P&L जिसको बोलते हैं। तो ये अपना लॉस अभी दिखा रहा है। ट्रेड को अभी भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ मैडनेस, आई डोंट नो वाई, बट मेरे को मार्केट ने मौका नहीं दिया है, और तो और अगर मौका दिया है तो मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है एज अ ट्रेडर, इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू आर ऑन एन इंटरमीडिएट लेवल और इफ़ यू आर अ प्रो, आपको ये चीज़ समझनी है। आपको चार्ट प्रॉपरली रीड करना है और समझना है कि मार्केट आपको मौका दे रहा है या नहीं दे रहा है, और अगर देता है तो आप वो मौके को ग्रैब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एनीवे, सो लेट्स क्विकली सी द चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी इज स्टिल बुलिश। आज गैप अप ओपनिंग हुआ था और ऊपर जाके काफ़ी बढ़िया निफ्टी ने वैसे कंसोलिडेट किया हुआ है, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी ने फिर से नीचे आने की कोशिश की है। अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, सर्कल करता हूँ यहाँ पर, ये वाली कैंडल में मुझे ऊपर की साइड से थोड़ा रिजेक्शन दिख रहा है,
और तो और मुझे 18200 पे सप्लाई जोन दिखा हुआ है पहले। मैं बताता हूँ सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है। सप्लाई जोन मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे 18200 के लेवल पे। यहाँ पर देखो, यहाँ से बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था, यहाँ पर बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था, पहले भी एक बार रिजेक्शन आ चुका है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और तो और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में भी हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा 18200, 18200 तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 18200 पे बेयर्स जो है ना वो दबा के बैठे हुए हैं कि जैसे ही अगर बुल्स यहाँ पर आएंगे ना उनको भगाने की कोशिश करेंगे। हाउएवर बुल्स में भी इस बार पावर दिख रहा है काफ़ी बढ़िया, बट दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ट। दूसरा, एक फेड का मीटिंग आ रहा है कल, यूएस फेड चेयर का, तो फेडरल रिजर्व का क्या आउटकम आता है उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सो यही एक वजह है कि मार्केट में मैं अभी मेरा ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ। और तो और मेरा अभी रनिंग MTM आपने देखा 66,000 रुपीज़ माइनस में दिखा रहा है, 66,800 रुपीज़, मतलब 69,000 रुपीज़ माइनस में दिखा रहा है। मैक्सिमम मेरा लॉस 72,000 रुपीज़ है, 71,000 रुपीज़। तो आने मतलब दूसरे 4-5 हज़ार के लिए मैं इतना वो करने का मतलब एग्जिट लेने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं होल्ड करना चाहता हूँ। दिस इज़ माय एपेटाइट, वन शुड नॉट डू दिस। नॉर्मली ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना वो इतना सारा लॉस कभी भी रखते नहीं है, दे यूजुअली टेक एग्जिट, बट मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और होल्ड करने की मेरी वजह यह है कि मैं एक चांस लेना चाहता हूँ, दैट्स इट। यूजुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो आई एम शेयरिंग माय सेंसिबल प्लेटफॉर्म विथ यू, दिस इज माय सेंसिबल प्लेटफॉर्म। ये मेरी पोजीशन से आप देख सकते हैं और आप देखोगे कि ये वाला जो वर्टिकल लाइन जो है, दिस इज अ करंट मार्केट सिचुएशन। मार्केट एक्सपायर क्लोज हुआ है आज 18,147, मतलब 18,150 पे क्लोज हुआ है, एंड मेरी आयरन फ्लाई से काफ़ी दूर है, तो लॉस तय है, कन्फर्म है। बट अगर मान लीजिए कि कल और परसों मार्केट काफ़ी बढ़िया डाउन साइड लाता है और मान लीजिए 300-350 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो इट विल कम बैक इन माई जोन ओनली एंड आई विल बी मेकिंग सम हैंडसम प्रॉफिट्स एट दैट टाइम। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ओनली 4%, दिस ट्रेड इज कम्प्लीटली गॉन, एटलीस्ट एज फार एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज कंसर्न। एंड रिटर्न आप देख रहे होंगे -8%, सो अगेन दिस इज अ बैड थिंग फॉर मी, बट आई हैव कैप्ट इट एज इट इज़। तो ये हो गया, ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, सो लास्ट 15 मिनट में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे कॉल्स एंड पुट्स सब लोग ने छुट्टी ली है, मतलब भागे हैं सब लोग, पुट वाले भी भागे हैं, कॉल वाले भी भागे हैं, क्योंकि अभी मार्केट ऐसी सिचुएशन पर आ गया है ना कि कोई कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहता है, वो ये इसमें दिख रहा है। देखिए अब सब नीचे की तरफ पे हैं। और तो और आप देखोगे 18200 जो मैंने आपको बताया था, 18200 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। अभी 18200 पे 1.26 करोड़ कॉल सेल हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, एंड पुट अगर देखोगे वहाँ पर ओनली 51 लाख, सो बहुत बड़ा है। हाउएवर PCR इज 0.9 विच इज़ बुलिश, एंड इफ़ यू सी FII DII डेटा, तो FII DII डेटा में उनकी एक्टिविटीज़ अगर आज देखें तो ऑप्शंस के अंदर उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में 34,200 कॉल्स सेल किए हुए हैं एंड 33,500 पुट्स बाय किए हुए हैं विच इज़ बेरिश। हाउएवर 2000 करोड़ का स्टॉक्स बाय किया है एंड 2000 करोड़ का फ्यूचर भी बाय किया है विच इज़ बुलिश। सो वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा उनको भी कि क्या करना है, बट देखते हैं कल क्या होता है। दिस इज़ ऑल। एक मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था आज 17,650, तो इसमें मैं पुट साइड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 17,650 काफ़ी दूर का स्ट्राइक था, तो मेरे को मेरे ब्रोकर ने मतलब जीरोधा ने अलाउ नहीं किया ये बाई करने के लिए। मैं पुट साइड को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि कॉल साइड पे इतना बड़ा लॉस नहीं दिख रहा था मुझे, बट वो हो भी नहीं पाया, तो मैंने उसमें से एग्जिट भी ले लिया और 2.5 रुपये का नुकसान किया हुआ है। ओह माय गॉड। बट एनीवे आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे परसों देखेंगे किस तरह से मार्केट हमको सपोर्ट करता है या फिर मार्केट हमसे पैसे लेता है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। हाय, आज 3 मई 2023 बुधवार, और आज का दिन भी बुरा ही है अपने लिए, मेरे ट्रेड के लिए बेसिकली। सो वेरी क्विकली आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू, एंड ये है मेरा जीरोधा का पोर्टल, और इसमें कल जो 66,000 दिखा रहा था वो आज 64,000 दिखा रहा है। एक एडजस्टमेंट आज मैंने किया है, वो एडजस्टमेंट क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले वेरी क्विकली हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो आज का ये जो हमें दिख रहा है ना, ये जो मूवमेंट जो है ये वाला, दिस इज़ आवर निफ्टीज मूवमेंट फॉर टुडे, तो मुझे ये कम्प्लीटली मजाक लग रहा है, क्योंकि कल डाउ जोन्स 1.5% या 1.3% जितना गिरा हुआ था, और काफ़ी बड़ी गिरावट US मार्केट्स में थी लेकिन अपने इंडियन मार्केट्स में नहीं है, तो मुझे यहाँ पर तो क्लियरली मजाक ही दिख रहा है। और इसमें ये तो साइडवेज है, तो मुझे साइडवेज हो गया, मतलब पूरे दिन में मार्केट
ओनली एंड ओनली 50% जितना, कुछ 57 पॉइंट जितना गिरा है। तो इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते, कल एक्सपायरी का दिन है, कल इसके बेसिस पर मैं नहीं बोल सकता कि कल ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हो सकता है कल साइडवेज एक्सपायर हो जाए, क्योंकि बुल्स ने भी पकड़ के रखा हुआ है इस बार और बेयर्स ने भी पकड़ के रखा हुआ है। तो चलो मैं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ। एक एडजस्टमेंट मैंने किया हुआ है, अगर आप थोड़ा आगे जाके देखेंगे वीडियो में, तो मैंने मेरा ट्रेड जो था वो आयन फ्लाई था, आज मैंने आयन फ्लाई को तोड़ के आयन कॉन्डोर बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो जो टिप है वो गायब हो गई, जैसे इस तरह से टिप होनी चाहिए थी, ये टिप जो है वो गायब हो गई है और इसको भी थोड़ा फ्लैट कर दिया है। तो मैंने क्या किया है वो भी मैं बताता हूँ। वैसे ये वाला एडजस्टमेंट करने की एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, पर मैं जब ये एडजस्टमेंट सेंसिबल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चेक कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे 7-8 हज़ार रुपये का स्लिपेज दिख रहा था। विच मीन्स अगर मैं कल वाले ट्रेड को ऐसे ही छोड़ देता और ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता रहता या यहीं पर भी एक्सपायर होता, तो माई मैक्सिमम लॉस वॉज 72,000 रुपीज़, मतलब 71,295 रुपीज़, इतना कुछ दिखा रहा था। पर मैं जब वर्चुअल में चेक कर रहा था, तो मेरे को वो प्रीमियम की वॉलेटिलिटी जो होती है ना, उसकी वजह से मुझे 7-8 थाउजेंड रुपीज़ का स्लिपेज दिख रहा था। स्लिपेज को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि उसको बोलते क्या है एक्चुअली, बट अगर मैं वो वाला एडजस्टमेंट कर देता हूँ, तो मुझे 72 की जगह पे 64,000 रुपीज़ या 66,000 रुपीज़ जितना कुछ लॉस होगा मैक्सिमम। तो मैंने बोला वैसे भी हम लोग ट्रेड को छोड़ ही रहे हैं, तो लेट्स ट्राई कि कर लेते हैं। बट जब मैं करने गया, तो करते वक्त प्रीमियम की वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट हो रही थी कि जो प्राइस पे मुझे मिला है वो प्राइस पे मैंने 7750 का कॉल सेल किया हुआ है, और तो और मेरे पास मार्जिन कम था। तो मैंने क्या किया, 17700 का जो कॉल था उसमें से निकलने के लिए 200 200 200 की क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेकर 3 बार मैंने एग्जिट लिया है, और यहाँ पर 200 200 200 क्वांटिटी 3 बार सेल किया हुआ है। तो उसकी वजह से जो टाइम लगता है उसमें मेरा ये एक हो गया। हाउएवर आज मैंने लॉस बुक किया है 1.75 लाख रुपीज़, ये यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके दिखाया हुआ है, दिस वन 1.75 लाख। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, अगर अनटिक करता हूँ मैं इसको, तो ये मेरा कल बन जाएगा इस तरह का ट्रेड। और ये जो ट्रेड है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 1.02 लाख रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पर ही एक्सपायर होता है कल, तो 1.02 लाख रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट होगा। हाउएवर आई हैव मेड 1.75 लाख रुपीज़ लॉस ऑल्सो, सो 1.75 माइनस 1.02 दैट गिव्स मी 73,000 रुपीज़ लॉस। 73,000 रुपीज़ मेरा लॉस मैक्सिमम होना है, अगर भगवान की मर्ज़ी हो गई अच्छी सी, और कल मान लीजिए मार्केट 1.5% गिरता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, इतना हो नहीं सकता, 1.5% छोड़ो 1% भी अगर गिरता है मार्केट, तो ये मेरा प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है यहाँ यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन मेरे लॉस की जो 73,000 वैल्यू है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इस तरह का मेरा ट्रेड का सिनारियो है। एक बार वेरी क्विकली FII DII डेटा देख लेते हैं। FII DII में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज FII जो है ना वो कन्फ्यूज है। आप देखिए 48,000 क्वांटिटी उन्होंने बाई की है कॉल में, 39,000 क्वांटिटी उन्होंने बाई की है पुट्स में, ठीक है, तो बुलिश भी है बेरिश भी है। स्टॉक्स में उन लोगों ने 1,300 करोड़ का स्टॉक्स, मतलब कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग किया हुआ है, एंड फ्यूचर्स में उन लोगों ने 1,450 करोड़ का सेल किया हुआ है। सो मतलब FII कन्फ्यूज़ है कुछ, मतलब FII लेट से 10 लोग आते होंगे, तो 10 में से 5 लोगों ने ये किया है, 5 लोगों ने वो किया है, ऐसा कुछ करके दिखा है। सो आई कैन नॉट टेल एनी थिंग और आई कैन नॉट टेक एनी जजमेंट ऑन ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो इसको हम छोड़ ही देंगे, और वैसे भी कल एक्सपायरी का दिन है, और हमारा जो ट्रेड है वो कितना मैक्सिमम लॉस देना है वो तय है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इसमें बोलने का। आज मैं एक गलती मेरी एक जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने जिस दिन, मतलब लास्ट वीक थर्सडे जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था, तब मेरे को दिमाग में आया था कि इंस्टेड ऑफ 18,000 कॉल, ये वाला मैं 18,000 का कॉल बाय किया है, पहला हेज जो था वो 18,200 का था, उसमें से निकल के 18,000 का कॉल मैंने बाय किया था, हेज को नज़दीक लाया था। अगर 18,000 के हेज की जगह पे 17,900 या 17,850 का कॉल मैं बाय करता, जो थोड़ा महंगा होता उस टाइम पे, पर वो कर लेता ना, तो आज ये लॉस वाली नौबत नहीं आती, काफ़ी कम लॉस रहता मेरा उस टाइम पे, इस टाइम पे। बट ठीक है, यही तो हमको सीखना है। तो मैंने क्विकली मेरी ट्रेड जर्नल जो है उसमें मैंने ये रूल बना के लिख दिया कि अगली बार अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान, ये वीडियो में मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये ट्रेड मेरा जो है वो लॉस मेकिंग ट्रेड है, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखें। तो मैंने रूल भी बनाया हुआ है, अगली बार मेरा रूल ऐसा रहेगा कि अगर मेरी जो आयरन फ्लाई की ये जो टिप है, टिप से अगर मार्केट जाता है,
तो मैंने एक पर्टिकुलर डेडलाइन सेट की हुई कि भाई यहाँ इतना अगर ट्रैवल कर लिया मार्केट ने और मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है और वीक्स भी लो है, तो मैं उसमें फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, मैं उस टाइम पे एडजस्टमेंट करूँगा और वो एडजस्टमेंट जो है उसमें मैं जो मेरा लॉस होता है उसको हो सके उतना कम करने की कोशिश करूँगा। लाइक मैंने पहले मेरा लॉस जो था वो 1.6 लाख रुपये था, जिसको मैंने एडजस्टमेंट करके कम करके 72,000 तक लाया। सो 1.6 का मैंने आधा कर दिया, बट आई कुड हैव डन लाइक 1/4 ऑफ दैट लॉस, लाइक 20,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 1.6 लाख रुपीज़। तो वो भी मैं कर सकता था अगर मैं 17,800 या 17,850 का कॉल बाय करता तो, बट मैंने वो नहीं किया। इसी की यही गलती है और यही गलती की वजह से मैं ये लॉस झेलने वाला हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आज मैंने एक्चुअली दो वीडियो बनाए और दोनों मैंने गलतियों पे बनाए, एक इसमें तो गलती हो ही गई और दूसरा एक वीडियो है जो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर रहा हूँ या और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, वो वाला वीडियो भी आप श्योरली देखिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि टेप कभी किसी से नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये वीडियो में बने रहिए। कल एक्सपायरी का दिन है, इसका भी एक्सटेंशन वाला पार्ट जो है, मतलब कल वाला पार्ट, वो भी रिकॉर्ड करूँगा और वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। हाय, टुडे इज 4th May 2023, द एक्सपायरी डे एंड द पेनफुल डे एज वेल। वैसे हम लोगों को तो पता ही था कि इस बार लॉस बुक करना तय है, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू वेरी क्विकली। ये अपना फाइनल अमाउंट है 1,01,830 रुपीज़। अभी ग्रीन में दिखा रहा है क्योंकि हमने कल एडजस्टमेंट करके लॉस बुक किया था, तो आज प्रॉफिट बुक किया है, कल लॉस बुक किया था। कल वाला जो लॉस था वो 1,75,000 था, आज वाला जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है। और इसके पहले एक छोटा सा जब एडजस्टमेंट किया हुआ था उस टाइम पे 2,500 रुपये के अराउंड हमने प्रॉफिट निकाला था, तो तकरीबन 70,000 रुपीज़ का लॉस ये वाले ट्रेड में हुआ है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली, बट एक ट्रेडर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आते ही रहेंगे। गलती कहाँ पर हुई है वो भी मैं आपको बताऊँगा और वो क्या करना चाहिए था उस टाइम पर वो भी मैं बताऊँगा आपको। अभी तो क्या है कि निफ्टी ने आज बहुत ही ख़तरनाक मूवमेंट दिखा दिया, ऐसा मूवमेंट दिखाया अनएक्सपेक्टेड था। यूएस फेड चेयर का जो रिज़ल्ट आया, मतलब जो आउटकम था, उसकी कम्प्लीटली अगेंस्ट में गया, मतलब ग्लोबल क्यूज आर इन रेड एंड आवर इंडियन मार्केट इज़ बुलिश। तो कहीं ना कहीं मुझे फिशी लग रहा है, आई डोंट नो कब तक ये झेल पाएगा, कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट तो आएगा, बट मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। सो ये एक चीज़ हुई। दूसरा ये है मेरा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया 1,02,000 रुपीज़ का। तो ये पोजीशन क्लोज होने के बाद इस तरह से दिखेगा, सो नो ट्रेड्स नाउ। तो आज कोई ट्रेड नहीं है, अभी कल फ्राइडे है तो कल देखेंगे कल किस तरह से ट्रेड लेना है, कल सोचेंगे। ये मेरी सिचुएशन। अभी मैं आपसे वेरी क्विकली शेयर करूँगा कि गलती हम लोगों ने कहाँ पर की। जब हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया, मतलब मैंने जो एडजस्टमेंट किया, तब निफ्टी ने ट्रेंड पकड़ लिया था। वैसे ये वाला ट्रेंड पकड़ना थोड़ा मुश्किल तो था, क्योंकि क्या है कि एक नीचे गया था और नीचे से जब ऊपर गया तो यहीं कहीं पर मेरे को ऐसा लगा कि अभी यहाँ पर से निफ्टी बुलिश तो हुआ है, पर मुझे लगा कि एक आध बार रिट्रेसमेंट लेगा वापस। तो मैंने क्या किया था, 18,000 का कॉल बाय किया एडजस्टमेंट करने के लिए, रादर देन 17,900 और 17,850 का कॉल मैं अगर उस टाइम पर बाय करता तो मेरा कॉल साइड काफ़ी लॉस काफ़ी कम हो जाता। हाउएवर जब मैंने ओरिजिनल ट्रेड लिया था, मेरा कॉल साइड और पुट साइड दोनों के साइड पे 1.6 लाख का लॉस था। उतना लॉस तो हम कभी भी झेलेंगे भी नहीं, एक आयरन फ्लाई अगर कोई बंदा ले रहा है तो इतना लॉस कभी करेगा नहीं, वो कभी पॉसिबल नहीं है। जो दिखाता है उतना लॉस तो कभी करेगा नहीं, अगर वो करता है तो उसको आता नहीं है। तो मैंने क्या किया था, 18,200 का कॉल बाय किया था हेज करने के लिए और नीचे की साइड पे 17,200 का कॉल पुट बाय किया था हेज करने के लिए, 500 पॉइंट दूर करके। अभी क्या हुआ कि जब मार्केट अपसाइड जा रहा था ऊपर की तरफ, उस टाइम पे 18,200 के कॉल से निकल के मैं थोड़ा नज़दीक आ गया, क्योंकि मुझे भी डर लगने लगा कि भाई अभी ये ऊपर जाते ही जाएगा तो मेरे को पूरा लॉस नहीं लेना है, 1.6 लाख रुपीज़ लॉस लेके कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने 18,200 के कॉल में से एग्जिट ले लिया और 18,000 के कॉल में एंट्री लिया, 57 रुपीज़ के अराउंड मैंने वो बाय किया हुआ है, आप भी वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। तो उससे मैंने क्या किया, 1.6 लाख का जो लॉस था उसको सीधा कम करके 72,000 रुपीज़ या 71,000 के करीब करीब ला दिया था मैंने। और मैंने जो कल वाला जो एडजस्टमेंट किया हुआ था वो मैंने इसलिए किया था कि मुझे एक स्लिपेज दिख रहा था 7,000-8,000 रुपये का, वो तो पता ही था कि अभी अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मेरे को इतना लॉस होना ही होना है।
सो इंस्टेड ऑफ 71,000 और 72,000 रुपीज़ लॉस, इफ़ आई कैन मैनेज लेट से 5,000-7,000 रुपीज़, तो मैं वो ट्राई कर रहा था और वो ट्राई करने की एक कोशिश थी और हुआ भी। आप देखिए तो मुझे इवेंचुअल लॉस जो है वो 70,000 रुपीज़ का ही मिला है। तो 18,000 का जो कॉल बाय किया उसकी जगह पर अगर मैं 17,850 या 17,900 का कॉल बाय करता तो ये लॉस जो 70,000 लाया था मैं 1.6 से 70, उसको भी मैं और कम कर सकता था और वो लॉस को मैं समवेयर अराउंड 20,000-30,000 रुपीज़ के अराउंड लेके आ सकता था। और ये ट्रेंड पकड़ नहीं पाया, इसकी वजह से मुझे यहीं पर रुकना पड़ा। उसके बाद तो फिर मैंने इस बार सोचा कि सोचते ही रह गया कि भाई मार्केट नीचे आएगा। अब अगर आप देखिए तो ये किस तरह के फॉल्स मूव्स हैं, ये सब मतलब ट्रैप करने के ही मूव है। अगर मान लो यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल जो मैं आपको दिखाऊंगा, सर्कल करके दिखाता हूँ, जूम इन करके, सो इफ़ दिस इज़ द कैंडल ये वाला, तो ये कैंडल में अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड पर आपको विक बहुत ज़्यादा मिलेगा ऊपर की साइड पर। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी यहाँ से रिवर्सल आने की शुरुआत हुई और यहाँ पर रिवर्सल लेने की कोशिश भी हुई, बट बुल्स लोगों ने रिवर्सल होने नहीं दिया और नीचे से पुशअप कर दिया, मतलब ऊपर दे दिया धक्का। और आज की कैंडल तो आपको दिख ही रही है, काफ़ी शानदार कैंडल है, तो लॉस तो तय ही था। तो मैंने सुबह समवेयर अराउंड 10-10:30 बजे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन, क्योंकि पूरे दिन ट्रेड को पकड़ के कोई मतलब नहीं है। 18,150 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका था मार्केट, तो मुझे नहीं लगता था कि 200-250-300 पॉइंट मेरे लिए मार्केट नीचे आएगा, ऐसा होता नहीं है कभी। ये एक हमको सीखने की ज़रूरत है ट्रेडर को, कि हम लोग ऐसा सोच के बैठे कि नहीं नहीं आएगा, आज एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी हो सकता है। होता है, ऐसा भी हुआ है, बट हर बार नहीं होता, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हर बार नहीं मिलती हमको। सो एनीवे, दिस टाइम वी हैव बुक्ड अ लॉस। नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ मैं, शायद मोस्टली तो मैं आयरन फ्लाई ही लूँगा, बट एक आध दो बार मैं सोच लूँगा कि सच में आयरन फ्लाई लेना है इस बार या फिर कोई और ट्रेड लेना है। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वाले ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया है, फिर भी मैं ये इसका वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कभी कभी लॉस बुक करने वाले ट्रेड में भी लर्निंग छिपी रहती है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मैंने एडजस्टमेंट में बताया भी कि लाइक इंस्टेड ऑफ 18,000 कॉल आई वुड हैव बॉट 17,800 कॉल और 17,900 कॉल, तो मैं लॉस और भी कम कर सकता था। वो चार्ट पकड़ना आना चाहिए, ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। तो अभी भी हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार कोई बंदा ट्रेंड पकड़ लेगा और वो जो बोलेगा वैसा होता तो वो भगवान है, बट ऐसा होता नहीं है। सो ऑल इन ऑल ये था मेरे ये सेकंड ट्रेड का जर्नी, मतलब यूट्यूब पे। इसके पहले मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हुए हैं और मैंने आयरन फ्लाई मैनेज करना मुझे आता है ठीक से, बट यूट्यूब पे ये सेकंड वीडियो रहेगा। मैंने एक वीडियो और भी बनाया है जिसमें 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है आयरन फ्लाई में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा या फिर लास्ट में कार्ड्स पे आ जाएगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और बस मेरे कंटेंट, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि यूट्यूब में आपको ऐसा कोई ट्रेडर नहीं, यूट्यूबर नहीं मिलेगा जो अपने लॉस वाले ट्रेड का आप वीडियो बना के भी शेयर करेगा। मेरा ये वीडियो शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप सीखें, इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू एग्जीक्यूट आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, तो इसमें जो गलतियाँ हुई है वो आप फ्यूचर में ना करें। वो पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। After all, knowledge is knowledge. So that's all, guys. Thank you very much.